ये कॉलेजियम क्या है? सुप्रीम कोर्ट और सरकार किस बात के लिए आमने सामने है? किरेन रिजिजू जो बात कह रहे हैं वो सही है या सुप्रीम कोर्ट का कहना सही है? भारत में लोकतंत्र है, यानी कि लोगों का शासन है। आसान भाषा में कहें तो हम में से ही कुछ लोगों को मिलाकर तीन ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं जिन्हें हम विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका कहते हैं, और यही देश का संचालन करते हैं। इस बात को तो हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि विधायिका का चुनाव कैसे होता है, लेकिन न्यायपालिका को लेकर बहुत सारी बातें अभी भी अनसुलझी सी लगती हैं। न्यायपालिका की बात जब भी आती है तो हम फैसले या किसी केस के बारे में ही सोचते हैं। न्यायपालिका और संसद इस वक्त आमने सामने हैं और इन दोनों के तकरार के बीच में है कॉलेजियम सिस्टम। तो आज हम एक एक करके इस पूरी बहस और कॉलेजियम सिस्टम को समझेंगे। बहुत अच्छे, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है और यह काम कैसे करती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल वर्तमान में हो रहा है उसे ही कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों का एक समूह है। ये पांच लोग मिलकर फैसला लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा। तो क्या हाई कोर्ट में भी जजों की नियुक्तियां कॉलेजियम के आधार पर होती हैं? जी हाँ, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह से ही होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्यों के राज्यपाल शामिल होते हैं। इन तीनों की सहमति से ही हाई कोर्ट में नियुक्तियां की जाती हैं। ये तो हमें समझ आ गया है कि कॉलेजियम क्या होता है। कॉलेजियम जजों की नियुक्ति करने की एक प्रक्रिया होती है। तो आगे हमें बताइए, इस सिस्टम से सरकार यानी संसद को क्या दिक्कत है? दरअसल बात यह है कि कॉलेजियम सिस्टम पर लंबे वक्त से ये आरोप लगता रहा है कि इसमें भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जाता है, अर्थात इसमें फेवरिज्म किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम को अंकल कल्चर भी कई बार कहा गया है, यानी ऐसे लोगों को जज चुने जाने की संभावना अधिक होती है जिनकी जान पहचान के लोग पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर विराजमान होते हैं। अभी भी एक क्लियर नहीं हो पाया है कि संसद यानी कि सरकार इस बहस में कैसे आ गई। सरकार और संसद की बहस तब शुरू होती है जब 25 नवंबर 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जजों की नियुक्ति करने की पूरी प्रक्रिया को संविधान से हटकर बताया। कानून मंत्री का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समझ और कोर्ट के ही आदेशों को आधार बनाते हुए कॉलेजियम सिस्टम बनाया है। कानून मंत्री ने तो यहाँ तक सवाल उठा दिया है कि बताइए कॉलेजियम का संविधान में जिक्र कहाँ है। कानून मंत्री को क्या जरूरत थी इस मामले में दखल देने की? जैसे चल रहा था चलने देते। 2014 से पहले तो ऐसे ही चलता था। सुप्रीम कोर्ट केवल फैसले और केस को लेकर ही चर्चा में बना रहता था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश में एनडीए की सरकार बनी तो केंद्र सरकार ने साल 2014 में ही संविधान में 99वां संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अर्थात एनजेएसी अधिनियम लेकर आई। सरकार ने इस एनजेएसी में 6 लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान किया, जिनमें है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज और 2 विशेषज्ञ। ऊपर के तीनों तो समझ आ रहे हैं, लेकिन ये 2 विशेषज्ञ कौन होंगे? 2 विशेषज्ञ वो होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों की सहमति से चुना जाएगा। साथ ही यह प्रावधान किया गया कि दोनों विशेषज्ञ हर 3 साल पर बदल दिए जाएंगे। पहले जजों की नियुक्ति में विधायिका यानी संसद यानी पार्लियामेंट्री सरकार का कोई दखल नहीं होता था, लेकिन संशोधन के बाद से अब सरकार के कानून मंत्री भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे। दूसरा ये कि पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह भविष्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े नियम बना सकता है या उनमें
तब्दीलियां यानी कि फेरबदल कर सकता है। अब यही बात सुप्रीम कोर्ट को नामंजूर है। अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए खारिज कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। तो ये रही कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट और सरकार की बात। आगे हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खास मुद्दे पर आपके साथ।